दोस्तों ये देखिए, ये रहा कोट और इसका जो है ये साइड और ये शोल्डर स्टिच करके दिखाएंगे प्रोफेशनल तरीके से। वीडियो को कंप्लीट देखे अगर कोट फिनिशिंग अगर सीखना चाहते हैं तो, ये काफ़ी ज़्यादा मेन होता है। ये रहा मेरा बैक पल्ला, तो बैक पल्ला को जो है नीचे को तरफ इस तरीके से रखते हैं। और ये रहा मेरा फ्रंट पल्ला, तो सबसे पहले शोल्डर को स्टिच करते हैं। देखिए शोल्डर को स्टिच कैसे करना है। ये रहा मेरा चेस्ट रेस्टिंग, इसको इस तरीके से ऊपर उठा लेना है और यहाँ से इसको इस तरीके से, ये पार्ट जो है एक सूत दो सूत छोटा रहता है इससे, तो इसको इस तरीके से रखें और यहाँ पे इसको इस तरीके से स्टिच करें। तो देखिए एक सूत भी हम इधर उधर 1 mm भी नहीं होने दे रहे हैं, दोनों को मिलाकर सिलाई कर रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ भी बहाना है और यहाँ भी बहाना है और सेम इसी तरीके से इसको भी स्टिच कर लेंगे, बट एक ही को हम अच्छे तरीके से समझाते हैं। फिर इस तरीके से ऐसे ले लेना है बढ़ाकर, यहाँ पे इस तरीके से चीरा लगाएं या प्रेस कर लें। आप यहाँ पे प्रेस से भी चीरा लगा सकते हो और हाथ के द्वारा भी इस तरीके से चीरा लगा कर लास्ट में प्रेस लगा सकते हो। ये देखिए ये चीरा लग गया। इसके बाद ये जो है पेस्टिंग को इसको इस तरीके से चिपका दें, ये देखिए ठीक है। तो इसको चिपकाएंगे पेस्टिंग से? नहीं, पेस्टिंग से नहीं चिपकाएंगे, इसको सिलाई से चिपकाएंगे ऐसे। ये देखिए ये देखिए ठीक है। एक जो है ये एक ही है, ये देखिए ठीक है। एक जो चीरा लगा है वो इधर को चला गया है, आप देख लो ठीक है। अब इसको जर में सटा के इसको स्टिच कर देंगे, वो बैठ जाएगा, ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। वो पार्ट स्टिच ना हो जाए इस चीज़ का हमेशा ध्यान में रहें। नाखून से अच्छा प्रेस से चीरा लगाने पर काफ़ी ज़्यादा बैठ जाता है। अच्छा ये देखिए अब आपको दिखाते हैं शोल्डर, ये रहा ठीक है। अब इसको प्रेस करके दिखाते हैं कैसा ये दिखेगा, जब तक साइड को जोड़ लेते हैं, प्रेस को करते हैं दोनों स्टिच करके, प्रेस करके दिखाते हैं किस तरीके से फिनिशिंग दिख रहा है। ये देखिए दोनों जो है स्टिच कर लिए हैं, अब साइड को स्टिच करते हैं। साइड कैसे स्टिच करना है, अस्तर को हटा देना है इस तरीके से। ये देखिए अस्तर इधर हटा दिए, इसको यहाँ से देखिए सिलाई का मार्जिन जो दिए हुए हैं हम, आपको नहीं दिख रहा होगा हल्का, ये रहा ये रहा ये रहा ठीक है, देख रहे हैं। तो इसको आप यहाँ से इस तरीके से रखें और इसको रखने से पहले इस तरीके से मेजरमेंट करके आप ऊपर तक देख लें कि जो मैं सिलाई लगाने वाला हूँ वो परफेक्ट ढंग से सिलाई हो पाएगा या नहीं। ये देखिए ठीक है, तो चलिए इसको हम सिलाई को कंप्लीट करते हैं।
ये देखिए ठीक है, ये सिलाई हो गया और बैक पल्ला में ये नम है, इसलिए दोस्त कि इधर से जो है ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और ये सेव हुआ है तो ये हल्का लमरा हुआ पीस था, तो इसको इस तरीके से इसी में मेंटेन करना था, प्रेस पे ये फ्रेश हो जाएगा। ऐसा किसी किसी पीस में होता है, सब में नहीं होता है। इस साइड को भी स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए इसको यहाँ से इस तरीके से रखना है। ये देखिए धमक दिया जाता है, नम नहीं है, धमक दिया जाता है। और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो जानकारी आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले इसी तरीके से, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और पूरा फुल स्टिच सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हो या सर्च कर सकते हो कोट स्टिचिंग आर एस फैशन डिज़ाइनर।